विक्रांत मिसी की फिल्म बारहवीं फेल बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिक्स की जुबा पर छाई हुई है और इसे लेकर एक बड़ी खबर आई। खबर यह कि फिल्म को ऑस्कर 2024 में नॉमिनेशंस के लिए भेजा जा रहा है। ये बात खुद फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मिसी ने कंफर्म की है। तो आज के डीएनए एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर ऑस्कर में जाने के लिए फिल्मों को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, आसान भाषा में बताऊं तो ऑस्कर में फिल्में भेजने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए काफी मत्थापच्ची करनी पड़ती है और बहुत पैसे और टाइम भी खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हर किसी के लिए इतना ईजी नहीं होता है कि वो अपनी फिल्मों को ऑस्कर में भेज पाए। अब फिल्में नॉमिनेट कौन करता है, किस बेसिस पर करता है, ये भी समझते हैं। ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाम से एक कैटेगरी होती है। इसी कैटेगरी में ऑस्कर एकेडमी दुनिया भर में बनने वाली फिल्मों को इनविटेशन भेजती है। हमारे देश से भी हर साल ऑस्कर के लिए फिल्में भेजे जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से फिल्मों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी की होती है। अब कमेटी किन नियमों के मुताबिक फिल्मों को सिलेक्ट करती है वो भी जानते हैं। देखिए, इसके लिए फिल्म की जो लंबाई है वो कम से कम 40 मिनट होनी चाहिए। फिल्म 33 mm या 70 mm के प्रिंट में 24 फ्रेम प्रति सेकंड या 48 फ्रेम प्रति सेकंड की होनी चाहिए। फिल्म इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, सबटाइटल्स इंग्लिश में होनी चाहिए। फिल्म का रेजोल्यूशन भी 1280x720 से कम नहीं होना चाहिए और फिल्म बीते 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच रिलीज हुई हो। और ऐसे ही कई सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट के जारी होने के बाद ऑस्कर के जूरी मेंबर्स इन फिल्मों को देखते हैं और वोटिंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में फिल्मों का सिलेक्शन करते हैं। अब एक और बड़ा सवाल कि जूरी मेंबर्स कौन होते हैं और वोटिंग कैसे होती है। पहली है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के मेंबर्स, तो दूसरे है अकाउंटिंग कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। सो फिल्म के मेकर्स को इन सभी मेंबर्स के लिए अपने फिल्मों के शोज रखने होते हैं। बता दें, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज वो ग्रुप है जो ऑस्कर देता है। इस समय 40 के करीब अकेडमी के जो मेंबर्स है वो इंडिया से हैं। अच्छा, एक और सवाल कि क्या आप भी मेंबर बन वोट कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, बशर्ते आपके पास फीचर फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिल्म क्रेडिट्स में आपका नाम होना चाहिए और हर कैंडिडेट को पहले हर ब्रांच की एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल मिला होना चाहिए, जिसके बाद वो वोट को सबमिट किया जाएगा। आपको बता दें, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एक रिसर्च टीम है जो फिल्मों के नॉमिनेशन को हर पैमाने पर मापने के बाद ही ओके करती है। इस टीम में एक्टर, डिजाइनर, सिनेमेटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, डॉक्यूमेंट्री एग्जीक्यूटिव्स, फिल्म एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, पब्लिक रिलेशन, साउंड, विजुअल इफेक्ट और राइटर्स शामिल होते हैं। अब इन सब के बाद फिल्म मेकर्स को स्क्रीनिंग पर वोटर्स को बुलाने की जद्दोजहद के साथ थिएटर, स्क्रीनिंग, नाश्ते और बाकी अलग तरह के खर्चे करने होते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा अमेरिका की प्रमुख फिल्म मैगजीन और अखबारों में भी एड्स देने होते हैं, जिससे वोटर की नजरों में फिल्म आ सके। इसके बाद वोटर्स अपनी पसंद की फिल्म पर ठप्पा लगाते हैं, जिसमें काफी पैसे और टाइम खर्च होता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद फाइनल अवार्ड के लिए चुनी गई 5 फिल्मों को कम से कम 20% वोट पाना जरूरी होता है। इसके बाद वो जितने ज्यादा वोट पाता है उसके हिसाब से टॉप 5 फिल्में चुनी जाती हैं और फिर इन टॉप 5 फिल्मों को एकेडमी के लाइफ मेंबर वोट करते हैं और विजेता चुना जाता है, जिसकी घोषणा अवार्ड नाइट पर स्टेज से की जाती है। हालांकि ऐसी खबरें आई थी लास्ट ईयर कि SS राजामौली ने RRR को ऑस्कर में भेजने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो सीधे शब्दों में कहें तो भाई, ऑस्कर में फिल्म भेजना कोई हल्का काम नहीं। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड विजेता को सिर्फ ये ट्रॉफी मिलती है, किसी तरह का कोई कैश प्राइज नहीं मिलता। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये भी है कि ऑस्कर विजेता को ट्रॉफी पर मालिकाना हक भी नहीं मिलता। विजेता किसी भी हालत में ट्रॉफी को कहीं और नहीं बेच सकता, और अगर बेचना चाहता भी है तो सिर्फ अकेडमी को बेच सकता है, वो भी सिर्फ $1। इसके अलावा ट्रॉफी की बात करें तो तांबे की धातु से बनी इस मूर्ति पर सोने की परत चढ़ी होती है। ऑस्कर ट्रॉफी 13.5 इंच लंबी होती है और इसका वजन करीब 3.8 किलो होता है। डिजाइन की बात करें तो ट्रॉफी में एक योद्धा की आकृति दिखाई देती है। ये योद्धा तलवार लेकर 5 तिल्लियों वाली एक फिल्म की रील पर खड़ा होता है। ये 5 तिल्लियां अकेडमी की मुख्य शाखाओं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और टेक्नीशियन का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी बता दें, ऑस्कर अवार्ड को पहले अकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव 1927 में रखी गई थी। तो ये थी ऑस्कर में फिल्मों के नॉमिनेशंस की पूरी प्रोसेस। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए डीएनए।